अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इंसान के नाम, और मैं हूं नसरीन खान। आज हमारे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सोल के मालिक, एक इंतहाई अच्छे नफीस इंसान हैं, जिनको मैं इस प्रोग्राम में आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रही हूं। जनाब सरदार रमेश अरोड़ा जी, सत्यकाली, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। हमारे जो आज के मेहमान हैं, ये पंजाब असेंबली में माइनॉरिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये इनकी दूसरी टर्म है, और इनकी सिलेक्शन की वजह इनकी इंसानियत की खिदमत है। 2016 में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इनकी इंसानियत की खिदमत की बिना पर इनको पाकिस्तान नेशनल अवार्ड भी दिया था, और हम आज इनके इस सफ़र के बारे में इनसे बात करेंगे कि इंसानियत के हवाले से ये जो इन्होंने खिदमत का सफ़र तय किया है, इसमें ये स्टार्ट कहाँ से हुए और इस वक्त ये कहाँ खड़े हैं। जी, तो रमेश साहब, मैं आपसे सबसे पहले इब्तदा इस बात से करूँगी कि ख्याल कब आया कि मुझे अपने आप को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करना। सबसे पहले तो आदाब, सत श्री अकाल, और आपका शुक्रिया कि आज आपने इज्जत बख्शी और आज हम बैठ के यहाँ पे आपकी तवस्सुत से, आपकी वसात से इस वक्त जो हमारे देखने वाले हैं उन तक बात, आवाज़ पहुँच रही है। जिस तरह अभी आपने इंट्रो में बात की कि मुझे किस तरह ख्याल आया कि इंसानियत की खिदमत की जाए, उसके लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया जाए, अपनी ज़िंदगी का कुछ लम्हात निकाल के खुदा की बनाई हुई इस मखलूक के लिए मैं कुछ कर सकूँ। प्रोफेसर साहब, एक बड़ा ही एक हसीन सफ़र है, और इसमें मुझे स्टार्ट मैंने जो किया वो अगर मैं कहूँ तो मैं उस वक्त आई वॉज टीनेजर, जब से मुझे इस तरफ अपने आप को मैंने रोल आउट किया और मैं इस पर मैंने काम शुरू किया और अपने आप को मैंने इस तरफ रादर के होता है ना, बस वो एज ऐसी होती है कि आप लेफ्ट राइट हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं हुआ लेफ्ट राइट, बट फिर मुझे, मैं समझता हूँ मेरे वाहिगुरु जी का मुझ पर बड़ा कर्म था कि मैं टाइमली उसको, असल में यही बात होती है ना कि आप इब्तदाई दौर में ही आपकी वो जो आपके अंदर कोई ख्वाहिश होती है बड़ा काम करने की ना, वो नज़र आना शुरू हो जाती है, और अगर नहीं भी आती तो आप अंदर से कहीं सोच रहे होते हैं जो कि आपको लीड कर रहा होता है उस रास्ते की तरफ। तो इसीलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि वो आपको याद है कि आपने कब सोचा कि मुझे ये काम करने हैं? मतलब मैं इसकी अगर पीछे बैकग्राउंड में जाऊँ तो, क्योंकि हमारा, मेरा ताल्लुक है सिख मज़हब से, तो सिख मज़हब की जो बुनियाद है वो इंसानियत से प्यार है, मोहब्बत है, और अपने आप को वक्फ करना है, हम उसको सेवा कहते हैं। सेवा का मतलब आपने इंसानों की खिदमत करनी है, सेवा करनी। तो उससे पहले गुरुद्वारे में वॉलंटियरली सेवा करते थे। फिर 1997 में प्रैक्टिकल लाइफ में जब मैं आया तो उस वक्त मैंने आगाज़ एक रूरल सपोर्ट प्रोग्राम से किया, जो कि एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी अपलिफ्ट के लिए, उनका पोटेंशियल हार्नेस करने के लिए उनके साथ काम करती है। तो वहाँ से मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ किया और फिर ज़िंदगी वक्फ की, NRSP, उसके बाद पाकिस्तान पॉवर्टी एलिवेशन फंड, और फिर मैंने अपना एक इदारा बनाया जो कि एक NGO है जो कि गरीबों की अपलिफ्ट के लिए, उनकी बेहतरी के लिए खिदमत, अपनी खिदमत अंजाम देती है। तो ये 2008 में जब मैंने बनाया तो इसी दौरान मेरा वहाँ पे जो एक नस्बत है, एक जो ताल्लुक है, जो एक रिश्ता है, वो एहसन इकबाल साहब से हुआ। तो एहसन इकबाल साहब के साथ जब मैं जाते थे, हम जो इस तरह के प्रोग्राम है इनके साथ डिस्कस करते थे, तो वहीं पे उन्होंने जो अभी आप बात कर रही थी कि मैं पंजाब पार्लियामेंट में दूसरी दफ़ा हूँ, तो 2013 में हम बैठ के बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आपने अपनी ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा दिया है कि आपने पार्टिसिपेटरी डिवेलपमेंट किया है, लोगों के साथ मिलकर काम किया है, तो वी नीड सच पीपल जो कि जिनके पास दोनों एक्सपीरियंसेस हो, कि गरीबों के साथ इंसानियत की भलाई के लिए काम भी किया और फिर वो पॉलिसी मेकिंग में भी आए और अपना रोल प्ले करें। तो 2013 का वो टाइम था जब मुझे यासर इकबाल साहब ने अपॉर्चुनिटी दी और मैं पंजाब पार्लियामेंट के आया, और ये एक हिस्ट्री बनी। 1947 के बाद पहली दफ़ा कोई सिख पंजाब असम्बली का मेम्बर बना। तो ये एक सिलसिला था, जिस तरीके से आपने पूछा कि मैं किस तरह इसमें जो इंसानियत के काम के लिए मैंने किस तरह अपने ये जो सफ़र है उसका आगाज़ किया और फिर आज मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, तो आज खुदा का बड़ा शुक्र है कि मुझे इस पाकिस्तान ने मुझे एक पहचान दी, मुझे एक नाम दिया। अदरवाइज़ शायद मुझे इतना नाम, इतनी पहचान मैं किसी और जगह पर होता तो शायद मुझे इतना ना मिलता।
और मैं ये समझता हूँ इसमें मेरे दोस्तों के साथ साथ जहाँ पे मेरी माँ की दुआएं हैं, जहाँ पे उनकी सपोर्ट करना है, मॉरल सपोर्ट करना है, मुझे मेरी दुआएं करना है, ये जो पाकिस्तान की आवाम है इनका बड़ा हाथ है, बड़ा किरदार है। आप जैसे बड़ों की ब्लेसिंग्स है कि आज मुझे खुदा ने एक नाम दिया, एक रुतबा दिया, किसी मुकाम पे। आपकी दो बातें जो हैं वो बहुत नुमायाँ हैं, एक तो आपकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए और दूसरा ये जो इंटरफेथ आप हार्मनी के लिए कोशिश करते हैं। ये दोनों चीज़ें मैंने आपकी जब बायोग्राफी भी देखी और आपकी कंट्रीब्यूशंस भी देखी, आपके बारे में जो जाना, उसमें मुझे ये दो चीज़ें नुमायाँ नज़र आई। इन दोनों के अंदर आप कैसे हार्मनी करते हैं, यानी आप किस तरह टाइम निकालते हैं कि अपने भी फेथ पे पूरी तरीके से टाइम दें, इधर इंटर हार्मनी के लिए भी काम करें और फिर पाकिस्तान से भी इतनी मोहब्बत करते हैं? देखिए जी, पाकिस्तान से मोहब्बत क्या एक बहुत बड़ी जो एक उसकी मेरे अंदर एक जो जज्बा भी है और एक बड़ी बात है वो ये है कि ये मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से। जब पार्टीशन हो रही थी तो पार्टीशन के टाइम मेरे जो ग्रैंड फादर थे उस वक्त वो फैसलाबाद में रहते थे, तो 2/3 ऑफ द फैमिली डिसाइडेड कि पार्टीशन होगी, लेट्स गो टू इंडिया। तो माई ग्रैंड फादर हैड अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप विद वन ऑफ हिज फ्रेंड जिनका नाम हयात खान बलोच साहब था, तो वो दोनों एक दूसरे का नाम नहीं लेते थे, वो दोनों एक दूसरे को भाई कहते थे। तो जब ये डिसीजन हुआ फैमिली का कि अब हम छोड़ के जा रहे हैं, तो मेरे दादा ही ने कहा कि भाई यहाँ पे नहीं है, वो कहीं बाहर गए, लेट हिम कम बैक, वो आएंगे तो मैं उनसे पहले डिस्कस करूँगा, फैसला उनसे लेंगे। तो जब 2 दिन बाद आए बलोच साहब तो सीधे हमारे घर आए, दादाजी के पास आए, तो सबका सामान बांधा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई ये क्या, तो पंजाबी में कहते वंडा पै गई ने हूँ, जरी गल है बाकी मेरी बरादरी मेरे अपने रिश्तेदार सारे जा रहे हैं, तो ये पिछले 3 दिन का मैंने फोर्स कर रहे थे, लेकिन क्योंकि तुम नहीं सो तो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर यू कि तुम आओ तो अभी थोड़े को इजाजत लेके जाइए। तो ये इंसानियत है जो आप इंटरफेथ हार्मनी की और इंसानियत की जो इससे अगली मैं बात करने जा रहा हूँ। तो मेरे वालिद साहब, क्योंकि दादाजी तो नहीं था, वालिद साहब मुझे हिस्ट्री बता थे कि जब वो बात की तो हयात खान बलोच साहब की आंखों में आंसू थे कि भाई ये आपने फैसला कैसे कर लिया कि आप इस मुश्किल की घड़ी में आप कहेंगे मैं जा रहा हूँ और मैं आपको जाने दूंगा। तो जब बात हुई तो उन्होंने कहा आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एक ऑप्शन तो ये कि मेरी गर्दन उतार दो ताकि कोई ये ना कहे कि बुरा वक्त आया तो गांव से निकाल दिया, दूसरी ऑप्शन ये है कि यहाँ पे रुक जाओ, तीसरी ऑप्शन ये कि अगर आपको पहली दोनों ऑप्शन मंजूर नहीं है तो फिर मुझे भी अपने साथ लेके चले जाओ ताकि कोई मैं कल मुझे बात ना कर सके। तो दादाजी ने कहा बाकी 2 ऑप्शन तो नहीं, ये ऑप्शन एक बचती है कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँ। जब ये दादाजी ने फैसला किया तो बाकी जो फैमिली थी उन्होंने मेरे दादाजी को बड़ी बातें सुनाई कि पागल हो गए हो तुम, एक मुसलमान की खातर इतना बड़ा फैसला करने जा रहे हो, ये आज तुम रुक जाओगे, कल बच्चों की शादी हैं, यहाँ पे सारे जा रहे हैं, कोई नहीं बचा, तो चलो। दादाजी ने कहा नहीं, दोस्ती पहले बाकी सारा कुछ बाद में, इंसानियत पहले। तो वो एक था, मैं आज भी उनके उस फैसले को सलूट करता हूँ और मैं ये समझता हूँ उनका एक बड़ा दूरस्थ एक फैसला था जिसका आज हम उसका सारे उसका समर का फायदा उठा रहे हैं। तो वो चीज़ है जो मेरे अंदर आज भी कूट कूट के भरी हुई है, ये पाकिस्तान मेरा है, ये मट्टी मेरी है, ये धरती मेरी है, इस मट्टी से और इस धरती से मुझे प्यार है। तो इंसानियत का जो जज्बा है जिस तरह मैंने पहले कहा मुझे अपने फेथ से अपने सिखिज्म से मिला और मेरे अंदर ये एक जज्बा है कि मैंने किसी के लिए इस हल्के खुदा के लिए कुछ करना, और इंटरफेथ आमनी इस वक्त की ज़रूरत है जहाँ पे इस वक्त लोगों के अंदर एक तफरकाबाजी है, लोगों को एक दूसरे से दूर किया जा रहा है, तो वहाँ पे हमें अपना रोल प्ले करना चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी बीइंग ए इंसान, और हमें लोगों को एक दूसरे से करीब लेके आना है, लोगों से एक दूसरे का मोहब्बत का इंसानियत का दर्स देना है, पैगाम देना है, और इसमें हर एक ने अपने अपने हिस्से का काम करना है। बिल्कुल ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इस सारे सिलसिले में आपका मेंटोर कौन है, आपने किससे ज़्यादा जाना पढ़ा समझा और रोल मॉडल किसको बनाया? देखिए मेंटोर तो आपकी ज़िंदगी में, मैं ये समझता हूँ मेरी ज़िंदगी में जो मेंटोर हैं जिन्होंने मेरी जिन्होंने मुझे पॉलिश किया, जिन्होंने मेरी कैपेसिटी बिल्ड की, आज अब प्रोफेसर साहब आज अब बड़े ना चुन चुन के सवाल कर रही है जिनका मैं अंदर ही अंदर सोचता रहा, तो मैं चाहता था कि काश मुझसे कोई ऐसे सवाल करे और आज आप ये कह रही है। सबसे पहले तो मेरा अपना रिलीजन है, मेरे गुरु साहबान है जिनका जो टीचिंग्स है मैं उनको फॉलो करता हूँ, बट मेरी ज़िंदगी में जो मुझे पॉलिश करने में जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, मेरे अंदर जो एक पोटेंशियल था उसको हार्नेस किया, वो 3-4 लोग हैं, उनको मैं हमेशा एडमायर भी करता हूँ, उनको सल्यूट भी करता हूँ। अगर मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ देखूँ तो कामरान अकबर हैं, कामरान अकबर साहब हैं जो आज का वर्ल्ड बैंक में हैं, और मुझे वो एक दिन, हालांकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर पंजाब असम्बली बनूंगा, पार्लियामेंट में आऊँगा, वो 2002-2003 की बात है, मुझे एक दिन कहते हैं रमेश तुम्हें पता है
तुम्हारे अंदर एक जर्ब जरा सी मैं कि तुम्हें एक दिन ये खुद बुलाएंगे और तुम्हें पार्लियामेंट में लेके जाएंगे, तुम्हें ऑफर करेंगे कि तुम्हें हम चाहते हैं कि तुम इस पाकिस्तानी खिदमत पार्लियामेंट के अंदर बैठो। दैट मींस ही वाज अ फार साइटेड पर्सन। उसने देख लिया कि आपके अंदर स्पार्क है और उन्होंने उसे प्रिडिक्ट और मुझे उन्होंने मेरी कैपेसिटी बिल्ड की। जी जी। फिर एक इंतहाई काबिल एहतराम मेरी शख्सियत है फारूक हारून साहब, और तीसरा जब पॉलिटिकल उसमें आया तो वो एहसन इकबाल साहब है जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। नो डाउट इस सब के बावजूद मैं समझता हूँ मेरी माँ का बहुत हाथ है। मेरी माँ ने बचपन से जो चीज़ें मुझे सिखाई, मेरे अंदर जो चीज़ें डाली, आज वो चीज़ें इस वक्त मुझे उसका रिजल्ट भी आ रहा है, मैं उसका फ़ायदा भी उठा रहा हूँ, मुझे उसका फ्रूट भी मिल रहा है। तो मेरी माँ ने मेरी बहुत परवरिश की और उनकी जो कही हुई बातें हैं मुझे आज भी वो याद रहती हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप की ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, मतलब है कि क्या किसके साथ आप चल रही हैं? आप अगर अपनी ज़िंदगी को बयान करें, किसको फॉलो करते हैं, क्या चीज़ है, क्या इंस्टिंक्ट है जिसके पीछे जाते हैं और चीज़ें डिसाइड करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि इंसान आता है इस दुनिया में और आके चला जाता है, आप पीछे मैसेज क्या छोड़ के जाते हैं। वो कल भी हम एक जगह पर बैठे बात कर रहे थे कि मेरा नाम उस वक्त तक है जब तक मेरी सांस चल रही है। बिल्कुल। जिस दिन मेरी आंखें बंद हुई और मेरी सांस निकली तो फिर मुझे कोई रमेश के नाम से नहीं कहेगा, फिर कहेगा कि मैयत पड़ी है, मैयत को उठाया और मैयत को लेके चले। तो आप इंसान जिस दिन पैदा होता है उस दिन उसका नाम होता है, जिस दिन खत्म होता है उसका नाम उसके साथ ही खत्म हो जाता है। तो अब आपने उस नाम को किस तरह जिंदा रखना है, आप कैसे कुछ ऐसी चीजें छोड़ के चले जाए जो वली है, पैगम्बर है, औलिया है, जो अल्लाह की बरगजीदा हस्ती है, उन्होंने ऐसे काम किए। तो मैं तो एक अदना सा एक तिनका हूँ, मैं तो उनके कदमों की खाक हूँ, लेकिन गुरु नानक देव जी के जो तीन पैगाम है वो आज भी वो हमेशा मुझे याद रहते हैं और मैं हमेशा उनको फॉलो करता हूँ। नाम जपना, कीर्त करना और वंट सकना, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली इसमें से आ जाती हैं। नाम जपना कि आपने हमेशा उस जात को याद रखना है जिस जात ने जो आपका क्रिएटर है। कीर्त करना कि आपने इन 10 हाथ उंगलों से 2 हाथों से आपने हलाल की कमाई करनी और आपने कमाना है। बिल्कुल। और फिर तीसरा जो है ना वो बड़ा एक समझने वाला और उसमें फलसफियाना बात है कि जो आपकी नेक और हलाल कमाई है उसको आपने अपने जो साथ लोग हैं जो जिनका हक है उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है। बिल्कुल। सिर्फ आपने अपने लिए नहीं जीना, आपने लोगों के लिए जीना है। बिल्कुल। और आपने अपने अंदर ये चीज पैदा करनी है कि मैंने अपने लिए तो जिया हूं, मजा तब है जब किसी और के लिए जी। तो ये मेरी जिंदगी का फलसफा है। बहुत सारे लोग मुझे इस पे कहते भी हैं कि यार तुम फलाने की नेकी करते हो, फलाने के लिए करते हो, फलाने के लिए करते हो। मैं कहता हूँ ये मेरे अंदर, मैं कहता हूँ कि मेरे अंदर ये चीज़ रहे, पता नहीं मुझे आज जो मेरा खुदा दे रहा है वो किसके सदके दे रहा है, यू नेवर नो। तो मैं अपना काम किए जाना है, दूसरा क्या करता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे, मैं अपने लिए दुआ भी करता हूँ और हमेशा ये दुआ करता हूँ कि खुदा मुझसे वो काम करवाए जो खुदा को मेरे लिए बेहतर है। वैसे भी जो अच्छाई करना और नेकी करना जो उससे एक सरशारी होती है, एक सेटिस्फेक्शन होती है जो और किसी चीज़ से नहीं आपको मिल सकती, और ये तौफीक से आती है। एक और आपसे बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको फ्री कर दिया जाए, आप पे कोई पाबंदी नहीं है, आप जो करना चाहते हैं करें, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, आप क्या करेंगे? देखिए, मैं तो, मुझे फ्री भी कर दिया मैं तो लोगों की खिदमत करूँगा, लोगों के लिए कुछ काम करूँगा, ताकि इस वक्त जो मुआशरे के अंदर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी है कि इंसान इंसान के साथ लड़ रहा है और इंसान की इंसान के साथ एक ऐसी नफ़रत की फ़िज़ा कायम होगी है, तो मैं तो कोशिश ये करूँगा इंसान को इंसान के करीब लाए। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो कमी है वो यही है, और सबसे जो इस वक्त मुआशरे के अंदर जो मसाइल हैं वो यही कि इंसान इंसान से दूर हो रहा है। और इस वक्त हमें अपना किरदार बीइंग एज एन इंडिविजुअल इन द सोसाइटी, मुझे अपना रोल प्ले करना है कि मैं लोगों को, लोगों से करीब, लोगों आपको पता है कि सोसाइटी में बहुत नेगेटिविटी है, लोग चाहते हुए भी अच्छाई नहीं कर पाते क्योंकि आपको अच्छाई करने पे हर्डल्स क्रिएट की जाती हैं, यानी आप चलना शुरू करते हैं तो आपके आगे एक हर्डल, आप उस हर्डल को उठाते हैं तो फिर दूसरी हर्डल, यानी नो बडी इज़ रेडी टू गिव यू पाथ कि आप इस पे चलना शुरू कर दें पीसफुली। इस नेगेटिविटी को ख़त्म कैसे किया जाए? फिर साहब, इसमें मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि जब आपकी नीयत साफ हो, आपकी नीयत अच्छी हो और आप कमिटेड हो कुछ काम करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं, शायद इसमें मुश्किलात भी आएंगी, इसमें कुछ टाइम भी लगेगा, बट अल्टीमेटली आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। तो आपको अपना जो एक जिस धुन में आप लगे हुए हैं आपको अच्छे किए जाना है,
और इस वक्त आप बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त बहुत अनरेस्ट है और ख़ासकर जो इंटरफेथ हार्मनी है, मैं ये समझता हूँ इस वक्त लोगों को करीब लाने की ज़रूरत है और इंसान को इंसान से जोड़ने की ज़रूरत है। तो जब आप इस धुन में लग जाएंगे तो आएंगे, नेगेटिविटी बहुत आएगी, मुझे बहुत सारी नेगेटिविटीज आती हैं, बहुत सारे लोगों के बारे में आप एक परसेप्शन लेके चलते हैं, आपको पता लगता है यार ये तो परसेप्शन मेरी टोटली गलत हो गई, मैं इस बंदे के बारे में सोच रहा था ये तो कुछ और निकला, ये तो आस्तीन का सांप निकला। बट अगर आप उसके, वो तो हो सकता है वो तो बना इसलिए कि उसने आपको रोक रहा है, बट आपने नहीं रुकना, आपने अपना काम उस धुन में किए जाना है और आपने लेफ्ट राइट नहीं देखना। तो फिर खुदा भी तो है ना, हम सबका बिलीव है कि कोई ना कोई ज़ात है जो आपको सपोर्ट करती है। और एक चीज़ प्रोफेसर साहबा, मैं जब भी मुश्किल में आता हूँ तो मेरी एक जगह जहाँ पे मैं जाता हूँ और जाके उस जगह पे मैं जाके उनसे कलाम करता हूँ, हम कलाम होता हूँ, और जब मैं जाता हूँ तो मैं मुश्किल में होता हूँ, एंड आई हैव माई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड आई हैव माई स्ट्रॉन्ग बिलीव कि जब मैं निकलता हूँ तो मैं ये लेके निकलता हूँ कि मेरा काम हो गया है और वो जगह करतारपुर साहब है। मैं मुश्किल में होता हूँ और इतनी मुश्किल में होता हूँ, फिर मैं किसी को कुछ नहीं बताता, मैं बचता कहता हूँ मैं अभी गया और अभी आया, और फिर जाके मैं बाबा जी से हम कलाम होता हूँ कि बाबा जी आपकी दर पे आ गया हूँ, ये मुश्किल है और इस मुश्किल से आपने मुझे निकालना है। इन बिलीव यू मी कि मैं अभी वापस अपनी जगह पर नहीं आया होता जहाँ पहुँचो तो मुझे उससे पहले पैगाम आ जाता। ये मेरे साथ अकेले के साथ हुआ, मेरे बहुत सारे दोस्तों के साथ, मेरे मुसलमान दोस्त हैं उसमें मर्द भी हैं औरतें भी हैं जिनको खुदा ने ऐसी ऐसी चीज़ों से नवाज दिया, जो पिछले कह रहे थे मैं पिछले 12 साल से मैं इसके लिए स्ट्रगल कर रहा था, मैं पता ही नहीं है मिल गई। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है शाजी अब्बास, वो नारोवाल आई हैं तो कहते हैं जी मैं 12 साल हो गए मेरी शादी को, मेरे पास अभी तक मैं बेवलाद हूँ। मैंने कहा यहीं बैठ के आँखें बंद करो, इफ़ यू बिलीव तो गुरु नानक पातशाह से हम कलाम हो जाओ, उन्हें कहो आपके दर पर आऊँगी। तो एक साल बाद उसका फ़ोन आया, कहती है मुझे खुदा ने जोड़ा दिया है। तो मैंने कहा बाबा जी के पास जाओ नहीं तो फिर अगले साल फिर कहोगे मुझे जोड़ा और दे दिया है। तो ये जस्ट जोकिंग, तो ये देने वाला तो वो ऊपर बैठा हुआ है ना, वही देता है सब कुछ। आप मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप सोचते हो कि अगर ये पूरी हो जाती ना तो बहुत अच्छा हो जाता, और कुछ ऐसी बात जो आप सोचते हैं कि ये ना हुई होती तो बहुत अच्छा था, जरा शेयर करें अपना। मैं जहाँ पे ख्वाहिशात की बात करती हैं, बस बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं जो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम लेती हैं। मैं अपने खुदा का, बाबा जी का शुक्रिया, शुक्र अदा करता हूँ, हर टाइम शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी जो ख्वाहिश होती है ना, जो ख्वाहिश नहीं भी होती, जो शायद फ्यूचर में होने वाली ख्वाहिश मेरी बाबा जी ने पूरी की, तो मैं हर वक्त खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। और मैं बस उनसे यही दुआ करता हूँ कि मुझसे वो इंसानियत की भलाई का काम करवाएं। और मैंने जो आज तक नहीं भी मांगा, मुझे, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था तो एक दिन मैं रोड पे खड़ा, तो जस्ट वेटिंग, मैं नहीं तो मैं आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन, तो आई वेटिंग फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मैं वहाँ पे कहा, मैंने कहा गुरु साहब थोड़ा ये सिख जड़ा है सड़का के धक्के खाण दिया है, मज़ा तो तब थोड़े बच्चे को 2 महीने बाद गड्डी हो गई, एंड वुड यू बिलीव, मुझे नहीं पता मेरे बाबा ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा और जाके मुझे कहा ये जाओ बैठो। ये मैं ही कहता हूँ कि ख्वाहिशात ऐसी, और फिर जो मैंने मेरे बाबा जी से मांगा है, जो मैंने खुदा से मांगा मुझे दिया, मैं बड़ा शुक्र करने वाला और उस खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे खुदा ने बहुत सारे लोगों से। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है और आप क्या देखते हैं कि हम इंसानियत की अपलिफ्ट के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए इस वक्त जहाँ पे बात होती है, हमने अभी करतारपुर साहब गुरुद्वारा भी खुला है और वहाँ पे हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उस करतारपुर साहब में भी हम बच्चों को, यूथ को खासकर हमें अट्रैक्ट करने की जरूरत है। इस वक्त बहुत सारे वो लोग हैं जो इस वक्त जिनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है और सोसाइटी के अंदर अनरेस्ट और बदअमनी फैला रहे हैं, वो विद इन द कंट्री भी और आउटसाइड द कंट्री भी हैं, स्लीपर सेल्स भी हैं जो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, अब वो शायद पाकिस्तान के साथ लड़ाई करने के तो उसमें नहीं है, अब वो जंग तो नहीं कर सकते, बट पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जिस तरीके से बहुत सारे सेक्ट्स को लड़ाया जा रहा है, यूथ को डिटेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा इस वक्त यही बीइंग एल्डर, बीइंग बड़ा, मेरा रोल भी यही, मेरी ख्वाहिश भी यही कि हम खासकर बच्चों को एक अच्छा, अपने लिए भी बुजुर्ग का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं अब, क्योंकि हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं, अब हमारे जो यूथ है हम उनके लिए बड़े हैं। जी जी, आज अगर हम अपने आपको बड़ा समझ के उनको समझाएंगे और वो हमें अपना बड़ा तसव्वुर करेंगे तो शायद आने वाले वक्त में हम इस चीज से कर सकेंगे। नहीं तो मैं बिलीव यू मी
आने वाला जो फ्यूचर है बड़ा भयानक है, और खासकर इस सोशल मीडिया के बाद ये जो वॉर शुरू हो गई है ना, ये जो थर्ड वॉर, ये थर्ड जनरेशन वॉर जो है, ये बड़ी ख़तरनाक है। और हमें कि हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने ज़िंदगी के नशीब अफराज देखे हैं, हमें इस आने वाली नस्ल को इस चीज़ से बचाना है, हमने उनको प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। और मेरा भी रोल रही है, मैं अपना किरदार यही समझता हूँ कि हम किस तरीके से आने वाली जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, उस नेक्स्ट जनरेशन से, क्योंकि आजकल पता है हमारी जो अगली जनरेशन वो कंप्यूटर की पैदावार है, जी, जी, उनके हाथ में पैदा हुए तो उनके हाथ मिलेनियम बच्चे हैं, मिलेनियम बच्चे, उनके हाथ में वो एक स्मार्टफोन है जो वो अगली जनरेशन पे पूरी दुनिया को कॉन्टेक्ट करता है। तो अब उनको हमने किस तरीके से प्रोडक्टिव यूथ बनाना है, किस तरीके से, अगर हम 60% यूथ की बात करते हैं तो यूथ को हमने किस तरीके से इस पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए उनको रोल प्ले करना है और एक अच्छा इंसान बनाना है। हम अक्सर उसको कंफ्यूज कर देते हैं बातों को, अच्छे मुसलमान बनेंगे, बट अच्छे मुसलमान के साथ, अच्छे सिख के साथ, अच्छे हिंदू के साथ, अच्छे क्रिश्चियन के साथ, उनको एक अच्छा इंसान भी बनना, बुनियादी तौर पे तो अच्छा इंसान ही बनना है ना। इंसान सबसे, हम सब में कॉमनैलिटी जो है वो यही इंसानियत की है, तो सबको पहले तो अच्छा इंसान बनना है ना, फिर उसके बाद आप अच्छे मुसलमान बनते हैं, अच्छे सिख बनते हैं, जो भी आपका बिलीफ सिस्टम है आप उसके साथ चलते हैं। जी रमेश साहब, जाते जाते आप अगर कोई पैगाम देना चाहें तो हम सुनना चाहेंगे आपसे। आखिर में जी आपका शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने अपॉर्चुनिटी दी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये जो आपने एक बेड़ा उठाया है, और जिस तरीके से आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हो, खासकर जो आपके पैगाम का, जो आपके प्रोग्राम का टाइटल भी है, जो आपका नाम भी है, तो आई रियली अप्रिशिएट यू। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं कि आप इंसानों के साथ जुड़ रही हैं, और मैं आपको इसके साथ साथ इन्वाइट भी कर रहा हूँ कि आप अपने कॉलेज के बच्चों को करतारपुर साहब लेके आइए। करतारपुर साहब वो जगह जो इंटरफेथ हार्मनी की बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग बिलीवर इंटरफेथ हार्मनी की, आप इंटरफेथ हार्मनी के लिए, इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, तो आप अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को लेके आइए, ताकि वहाँ से जब वो बच्चे आएँ तो कोई पैगाम लेके आए। और ये गुरु नानक साहब का वो स्थान है जहाँ पे गुरु नानक साहब की आखिरी आराम गया है, एक तरफ मज़ार है जहाँ पे मुसलमान अकीदे को मानने वाले हमारे उस वक्त के बुजुर्गों ने उनकी चादर को दफन किया, एक तरफ समाधि है। ना मुसलमान कब्र को सजदा करता है, ना सिख समाधि को सजदा करता है। मुसलमान भी कुल्लू अल्लाह हद कहता है, सिख भी एक ओंकार सतनाम कहता है, जिसका मतलब एक ही कि अल्लाह एक है, वो ही इज द क्रिएटर। लेकिन वो एक ऐसा सिंबल है जो इंटरफेथ हार्मनी की बेस्ट एग्जांपल है। तो मैं आपको भी गुजारिश करता हूँ अपने बच्चों को लेके, ये मेरी बेस्ट विशेज हमेशा आपके साथ है। खुदा आपको कामयाब करे, खुदा आपको और हिम्मत दे कि आप इंसानियत की इसी तरह खिदमत करते। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के पानी।